गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, धनु ट्यूटोरियल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको पता है कि हमने लूसेंट के जनरल साइंस का एक सीरीज स्टार्ट किया था, और इस सीरीज में हम लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी पार्ट्स थे उसे हम लोगों ने देखा था, और अब हम लोग बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। और बायोलॉजी में हम लोगों ने इससे पहले 9 पार्ट देख लिया है, और आज हम लोग पार्ट 10वें के बारे में चर्चा करेंगे। और हमारा जो पार्ट 10 होगा वो आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें मैं आप लोगों को ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी के बारे में बताऊंगा, जो जिससे कि रेलवे में एक क्वेश्चन देखने को अक्सर मिल जाते हैं। उसके बाद मैं बायो साइंटिस्ट के बारे में एक दो क्वेश्चन मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, जिससे एक दो क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इन दो दो चैप्टर्स को मैं और थोड़ा सा अगर एनिमल टिश्यू के भी क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये सब काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर से 10-15-20 क्वेश्चंस हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आप लोगों के साथ इन सब चैप्टर्स को शेयर करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हमारा जो आज का चैप्टर है उस चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो आज का फर्स्ट चैप्टर है जंतु विज्ञान की शाखाएँ, ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी, तो इसके बारे में हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उससे हम लोग देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले कि आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो 11,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, और आप लोगों का अगर ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहा तो मैं आप लोगों के लिए तुरंत ही जो भी रिमेनिंग के हैं, जैसे कि रेलवे के जैसे हो गए आपके रीजनिंग सेक्शंस के भी मैं आप लोगों को स्टडी करवाऊंगा। और अगर आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहा तो मैं तुरंत ही ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करूंगा, जो कि लाइव प्रैक्टिस सेट होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मानव त्वचा। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? जिसमें हम लोग त्वचा का अध्ययन करते हैं उस शाखा को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग डर्मेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस भाषा के शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन, बोन्स का स्टडी किस शाखा के अंतर्गत की जाती है? बोन्स का स्टडी जो है आप लोगों को ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इम्यूनोलॉजी कहते हैं। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन इम्यूनोलॉजी कहलाता है। पैलियोन्टोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। कीड़ों के अध्ययन को एंटेमोलॉजी कहते हैं। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो तितलियों का जो अध्ययन होता है लेपिडेटेरियोलॉजी कहते हैं। ये सब रेलवे में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे होंगे, और मेरे हिसाब से जितने भी क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को कवर करवाने की कोशिश करता हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो आप लोग फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा इस मेरे क्वेश्चंस को ध्यान दे के आप वीडियो को देखिए, और साथ साथ अगर आपके पास लूसेंट बुक है तो उसे आप लोग प्रीफर कीजिए, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। मछलियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मछलियों से संबंधित जो अध्ययन होता है उसे हम लोग इक्थियोलॉजी कहते हैं। इसके बाद ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ऑर्निथोलॉजी में हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो हिस्टोलॉजी जो है उत्तक से संबंधित होता है। घावों का अध्ययन ट्रेमेटोलॉजी कहलाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन आपको ओकोलॉजी कहलाता है। मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। और ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन, मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। वंशागति के नियमों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वंशागति के नियमों का अध्ययन अनुवांशिकी कहलाता है। ये तो आप सबको पता ही होगा फ्रेंड्स।
मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है? मनुष्य के वातावरण सुधारने से नस्ल सुधारना जो है आपको यूथेनिक्स कहलाता है, यूथेनिक्स कहलाता है, यूथेनिक्स कहलाता है। नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड्स का जिसके द्वारा हम लोग अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी। उस विज्ञान को जो अनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है क्या कहलाता है? उस विज्ञान को जो अनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग यूजेनिक्स कहते हैं, यूजेनिक्स कहते हैं, यूजेनिक्स कहते हैं। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? कीटों से संबंधित जो जीव विज्ञान की शाखा होती है इंटेमोलॉजी कहलाती है, इंटेमोलॉजी कहलाती है। मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का जो अध्ययन होता है इक्थियोलॉजी कहलाता है, इक्थियोलॉजी कहलाता है, इक्थियोलॉजी कहलाता है। जंतु विज्ञान की वह शाखा, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? मतलब अनुवांशिक लक्षण और वंशागति का जो अध्ययन होता है उसे हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स, जेनेटिक्स। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधित जो अध्ययन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोसिस्टम। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाता है? मायोलॉजी। मायोलॉजी किस चीज़ का अध्ययन कहलाता है? मांसपेशियों का। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है, डेमोग्राफी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफी किस चीज़ का अध्ययन होता है? तो जनसंख्या का अध्ययन। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? एपिकल्चर, एपिकल्चर। और सेरिकल्चर रेशम कीट का, रेशम पालन क्या कहलाता है? रेशम पालन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। ऊतकों की रचना, ऊतकों की रचना से संबंध विज्ञान क्या कहलाता है? ऊतकों की रचना से जो संबंध विज्ञान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी। विज्ञान की वह विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है? मतलब न्यूरोलॉजी में किस शरीर के किस अंग का अध्ययन न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है? तो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत, न्यूरोलॉजी के अंतर्गत विज्ञान की किस, मतलब शरीर के किस भाग का अध्ययन किया जाता है? तो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है, न्यूरोलॉजी के अंतर्गत स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किस चीज़ का अध्ययन से संबंधित है? जेरेंटोलॉजी में हम लोग वृद्ध व्यक्तियों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? पीडियाट्रिक्स जो है किस चीज़ का अध्ययन से संबंधित है? तो पीडियाट्रिक्स शिशु रोग के अध्ययन से संबंधित है, पीडियाट्रिक्स शिशु रोग से संबंधित है। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? तो टिश्यू कल्चर का अध्ययन अनुवांशिकी के लिए उपयोगी है, अनुवांशिकी के लिए उपयोगी है। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन, मैंने आपको बताया था, ये देखिए रेलवे में पूछा जा चुका है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन होता है? ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, इसे आप लोग कमेंट कीजिएगा। अनुवांशिकी किससे संबंधित है? अनुवांशिकी किससे संबंधित है? तो अनुवांशिकी जो अनुवांशिकता से संबंधित है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे भी मैंने आप लोगों को बताया था, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, इसे मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी का अध्ययन को सीरोलॉजी कहा जाता है, सीरोलॉजी। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंधित? इकोलॉजी का संबंध किस चीज़ से है? तो शरीर संरचना और वातावरण से है।
तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि ये जो हमारा चैप्टर था जूलॉजी एंड इट्स ब्रांच ऑफ जूलॉजी, ब्रांच ऑफ जूलॉजी का, तो इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने आप लोगों को बताया। और मैं आप लोग, चूँकि हमारा वीडियो काफ़ी छोटा है तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ एक दो और चैप्टर शेयर करना चाहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बायोसाइंटिस्ट, मतलब बायोलॉजी के जो भी साइंटिस्ट हुए उनके बारे में ये क्वेश्चन है, और आप सबको पता ही होगा कि ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस टॉपिक से। तो चलिए फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन से संबंध, विशेष संबंध था जो प्राकृतिक वर्णवाद था, नेचुरल सिलेक्शन इससे किस साइंटिस्ट का संबंध था, तो इससे जो था चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में सबसे प्रथम बताया था, इसलिए चार्ल्स डार्विन का संबंध विशेष रूप से प्राकृतिक वर्णवाद से था। अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता किसे मानते हैं, तो अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता मेंडल को माना जाता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग ने किया था। पलोमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, पलोमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्लिंटॉक ने किया था। फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है, फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक लैमार्क थे। जीवाणु की खोज किसने की थी, तो जीवाणु की खोज लीवेन हॉक ने की थी। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था, तो हरगोविंद खुराना को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक वर्ण या सर्वोत्तम की उत्तरजीविता के सिद्धांतों पर आधारित विकास का के सिद्धांत का प्रतिपादित किया था, डार्विन ने। नेक्स्ट, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, स्टेथोस्कोप का आविष्कार लैनेक ने किया था। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं, तो एडवर्ड जेनर चेचक के रोग से जुड़े हैं, चेचक के टीके का आविष्कार किया था उन्होंने। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी, रुधिर परिसंचरण की व्याख्या करने वाले सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे वो हार्वे थे। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, हृदय का पहला प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था, डीएनए की संरचना को सबसे पहले वाटसन एवं किक नामक साइंटिस्ट ने रेखांकित किया था। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, विकास का सिद्धांत डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि ये कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, ये एक बात किसने कही थी, तो ये बात जो है आप लोगों को लुई स्लाइडन और स्वान ने ये बताया था कि जितने भी जीव हैं सभी कोशिकाओं के बने होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन इसके लिए डी हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये सूची एक मिलान करना है, तो चलिए इस मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा इसको। देखिए डीएनए की संरचना, तो डीएनए की संरचना जो थे वाटसन एवं क्रिक ने की थी, ठीक है। ए बी ओ रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो ए बी ओ रक्त समूह की खोज की थी कॉल लैंडस्टीनर ने। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी, मैलिनटॉक ने। और रेगुलेटरी जीन की, तो जैकब और मुनार्ड ने, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी, वाटसन एवं किक ने, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकंड है ए बी ओ रक्त समूह किसने था, कॉल लैंडस्टीनर। जंपिंग जीन बराबरा मैलिनटॉक, और रेगुलेटरी जीन जैकब मुनार्ड। तो आप लोगों का इस हिसाब से यहाँ पे जो आंसर है सी हो जाता है, ठीक है, सी। नेक्स्ट, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिक कहा गया, मतलब अनुवांशिकता के विज्ञान को जेनेटिक्स अनुवांशिक सर्वप्रथम किसने कहा था, तो थे आपको वेटसन ने कहा था। यहाँ पे आप लोगों को देखिए फिर चार ऑप्शन दिए गए हैं सबके सामने कि कौन से रोग का मतलब आविष्कारक है, जो भी है उसके उससे रिलेटेड है रोग और उससे रिलेटेड साइंटिस्ट हैं, तो उसमें से कौन सा एक ऐसा है जो कि मैच नहीं है, तो उसे हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें
कौन सा सही है कौन सा गलत है। जो यहाँ से एडवर्ड जेनर ने चेचक के विरुद्ध टीकाकरण की खोज की थी, सही बात है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी, सही बात है। जोन्स ई स्लॉक पोलियो के विरुद्ध टीका की खोज की थी, सही बात है। जोसेफ लिस्टर ने कुष्ठ रोग का उपचार, ये गलत बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए, जो कि गलत है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन माने जाते हैं? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक लिस्टर माने जाते हैं, लिस्टर माने जाते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज पास्चर साहब ने की थी, पास्चर साहब ने की थी। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ सब पूछे गए क्वेश्चन हैं। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं अरस्तु। ये सब क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसलिए मैं ज़्यादा इन सब क्वेश्चंस में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इजी है और पूछ लिए जाते हैं। और आप सबको मेरे हिसाब से इसमें से 25% क्या 60-70% क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होगा। ये सब जो भी मतलब साइंटिस्ट और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? सर्वप्रथम किसने यह बताया था कि मलेरिया नामक जो बीमारी है वो मच्छरों के द्वारा होता है? तो रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले यह बताई थी। लेप्रोसी बेसिल्स का आविष्कार किया था? लेप्रोसी बेसिल्स का आविष्कार किसने किया था? हैंसेन ने किया था, हैंसेन ने किया था। यहाँ पे एक बार फिर से आपको मैच करने का है तो देख लीजिए हमारा क्वेश्चन है। जेनर, ठीक है, जेनर, जेनर का संबंध किस चीज़ से है? तो जेनर का जो संबंध है वो आपको टीकाकरण से, एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की खोज की थी, ठीक है। उसके बाद वाटसन, वाटसन ने द्विकुंडलीय संरचना की खोज की थी। उसके बाद लैंड स्टीनर रुधिर वर्ग और फ्लेमिंग पेंसिलिन, ठीक है, और फ्लेमिंग पेंसिलिन। ये आप लोगों को यहाँ से आंसर हो जाएगा सी। रक्त समूह का आविष्कारक कौन थे? रक्त समूह के आविष्कारक कौन थे? तो रक्त समूह के आविष्कारक थे लैंड स्टीनर। और मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार जो थे बैंटिंग ने किया था, बैंटिंग ने किया था, और बैंटिंग ने किया था। तो ये क्वेश्चन भी, इसके भी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे बायोसाइंटिस्ट से रिलेटेड, उसे भी मैंने आप लोगों को बताया। और फिर भी हमारा वीडियो का जो लेंथ है काफ़ी अभी भी छोटा है, तो हम लोग एक और चैप्टर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेंगे एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस चैप्टर का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये देखिए रेलवे में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मेयर ने किया था। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का, एपिथिलियम ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? घाव भरने में सहायक ऊतक जो होता है एपिथिलियम ऊतक ही होता है। घाव भरने में सहायक ऊतक एपिथिलियम ऊतक को ही माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी वसामय ऊतक जो होते हैं शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होते हैं। सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती है। सेबेसियस ग्रंथि जो है स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में पाई जाती है। जो है सेबेसियस ग्रंथि जो है स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में पाई जाती है। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, कहाँ की? उसके तलवे पर जो त्वचा होती है वो मनुष्य की वो सबसे मोटी होती है। लेक्राइमल ग्रंथियाँ स्रावित करती है। लेक्राइमल ग्रंथि जो है वो स्रावित करती है आंसू। लेक्राइमल ग्रंथि जो है आंसू स्रावित करती है। वृद्धावस्था में त्वचा में झुड़ियाँ पड़ जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है? वृद्धावस्था में जो त्वचा में उपचमड़ीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण जो है वृद्धावस्था में त्वचा में झुड़ियाँ उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, ये तो आप सबको पता ही होगा। तंत्रिका ऊतक की इकाई है, तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन, तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है?
संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में एपिथीलियम ऊतक के द्वारा संपन्न होता है। लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है, लिगामेंट एक प्रकार का रचना है जो क्या जोड़ता है, तो अस्थियों को अस्थि से जोड़ता है। ठीक है, ऊँट का कुबर किस ऊतक का बना होता है, ऊँट का जो कुबर होता है वो किस ऊतक का बना होता है, तो ऊँट का जो कुबर होता है वो वसामय ऊतकों का बना होता है। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है, मोटापा जो है वसा ऊतकों के अधिक होने के कारण ही उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है, तो रक्त जो है एक प्रकार का ऊतक है। बायोप्सी संबंधित है, बायोप्सी जो है किस चीज़ से संबंधित है, परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने में, बायोप्सी में परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग किया जाता है बायोप्सी के अंतर्गत। मास्ट सेल्स पाई जाती है, मास्ट कोशिका या मास्ट सेल्स पाई जाती है कहाँ, संयोजी ऊतक में, संयोजी ऊतक में। हेवर्सियन, हेवर्सियन तंत्र पाया जाता है, हेवर्सियन तंत्र पाया जाता है स्तनियों में की अस्थियों में। हेवर्सियन तंत्र पाया जाता है स्तनियों की अस्थियों में, बोन्स में। फेफड़े को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है, फेफड़े को ढकने वाला आयरन प्लूरा कहलाता है, फेफड़े को ढकने वाला आवरण प्लूरा कहलाता है। दांत मुख्य रूप से बने होते हैं किस चीज़ के, दांत जो होते हैं मुख्य रूप से बने होते हैं डेंटाइन के, डेंटाइन के। दांत का शिखर किसका बना होता है, दांत का जो शिखर है वो एनामिल का बना होता है, एनामिल का बना होता है। नाभि रज्जु है, नाभि रज्जु है प्रौढ़ संयोजी ऊतक, नाभि रज्जु है प्रौढ़ संयोजी ऊतक। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रोफिलिया, न्यूट्रोफिलिया। किस ऊतक के नख खूर और सिंग बने होते हैं, किस ऊतक के नख खूर और सिंग बने होते हैं, किरेटिन के, किरेटिन के, किरेटिन के। आरएच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया, आरएच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया, बंदर से, रियोन्स बंदर। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में किसी कोशिका कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, जन्म के बाद मानव शरीर के कौन से भाग में किसी भी कोशिका का विभाजन नहीं होता है, तंत्रिका कोशिका। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, तो प्लाज्मा में 90% जल होता है। रक्त होता है, रक्त क्या होता है, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और आज का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर, कल का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा जेनेटिक्स, और हम लोग जेनेटिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जेनेटिक्स इवोल्यूशन, इन दोनों को चैप्टर को मिला के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उससे हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद हमारा जो एक और चैप्टर बच जाएगा, ठीक है, वो हमारा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम और ह्यूमन साइकोलॉजी। इसके बाद हम बायोलॉजी को कम्प्लीट करेंगे, और बायोलॉजी को कम्प्लीट करके हम जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था, घटना चक्र को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।